We have done with personality. हम already personality पढ़ चुके हैं. Now we'll start with attitude. हम already समझे ना कि organizational behavior में एक आदमी के personality को study करना कितनी ज़रूरत है. क्योंकि this is only the personality that determines your behavior. Now ये personality कहाँ से आती है? हम जैसे already बोले that personality is your psychological makeup. आप अपने आप को कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से you will interact with different people at different situation, right? So अब ये जो personality का component है ना, personality के पीछे जो है that is your attitude. तो मैं अगर एक sequence में समझाऊँ, your attitude will define your personality will determine your behavior. So attitude is the way people form an opinion, their thoughts or feelings towards a certain object, people or event. Attitude has certain characteristics. Now, what attitude has got? It generally remains same for a long period unless influenced by external forces. Ek aadmi ka jo attitude hota hai na, that remains same for a long period. आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है लेकिन एटीट्यूड चेंज नहीं होता. ये आपके अंदर रहता है एकदम बैक ऑफ द माइंड. आपको लगता है मैम इसका तो एटीट्यूड ऐसा है बट वो आपको दिखता नहीं है. एटीट्यूड नहीं दिख रहा किसी का. हमें क्या दिखता है? दैट इज हिज बिहेवियर. नाउ अ पर्सनस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फोर्सेस. व्हाट इज इट? एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, देन द कॉग्निटिव फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस आर देयर, एनवायरमेंटल फोर्सेस, पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को फ्रेम करने में इनपुट देते हैं. तो इसमें से एटीट्यूड है. तो अगर मैं एटीट्यूड को ऑब्जर्व करने की बात करूं, इसमें ये एक सबसे बड़ी चीज़ है दैट इट रिमेंस सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड. सो अल्टीमेटली देखिए, एक आदमी आइदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है. देखना कुछ लोग होते हैं, कुछ भी होगा ना, दे विल ऑलवेज से नेगेटिव अबाउट इट. ये तो ऐसे हो गया, क्या हो गया, कैसे होगा, नेगेटिव. पॉजिटिव वाले लोग, हो जाना, हो जाएगा, मीन्स दे आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो ये हम किसी को सिखा नहीं सकते, वो पहले से ही उनके अंदर है एंड दैट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है. मतलब एक बार डेवलप हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता अंटिल एंड अनलेस देयर इज सम गुड अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज देयर. इट इज द फीलिंग्स और बिलीफ हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एन इवेंट. ये क्या है एक्चुअली? हमारा जो एटीट्यूड है, ये हमारी एक फीलिंग है टुवर्ड, मीन्स एनीथिंग, टुवर्ड एन इंडिविजुअल, टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट, टुवर्ड अ सिचुएशन, टुवर्ड अ पर्सन, एनीथिंग. सो हमारे एटीट्यूड क्या है? इट इज हाउ वी फॉर्म एन ओपिनियन, हाउ वी फॉर्म अ थॉट. हम लोग कैसे अपने थॉट्स बनाते हैं. सो एवरीथिंग इज डिफाइंड ऑन अवर एटीट्यूड. सो सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड, हमारे जो ये एटीट्यूड है ये कहाँ से आता है? बचपन में बच्चे सीखते हैं अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा, टीचर्स. हम लोग ऑफिस जाते हैं, अपने कोवर्कर्स, फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट, सभी जगह से हमारे पास ये एटीट्यूड का इनपुट्स आ रहा है. इन जनरल इंडिविजुअल टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस बाय द पीपल हुम दे एडमायर द मोस्ट, फियर, हैव रिस्पेक्ट एटसेट्रा. द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल आर नॉट एज रिजिड एज द वैल्यूज दे होल्ड. अब देखिए, ये एटीट्यूड जो है ना, दिस इज नॉट एज रिजिड एज योर वैल्यू सिस्टम इज. Hence, attitude can be easily influenced or altered. This can be done by providing new information, resolving differences by coercion or threat. Very often, employees develop a hostile attitude towards changes in the organization. In such cases, management should make the employees understand the benefits of such change so as to gain their cooperation. The attitude of employees can also be changed by providing the right feedback to them. सो अल्टीमेटली क्या होती है, एक सिचुएशन की तरफ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव, सडनली वो नेगेटिव कैसे हो गया कुछ दिन में, तो डेफिनेटली आपका वैल्यू सिस्टम को स्ट्रांगली डेवलप करना है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपके फ्रेंड कुछ बोल रहा है, आपका कोवर्कर कुछ बोल रहा है, तो वहाँ से आपके एटीट्यूड में इन्फ्लुएंस आ रहा है. नाउ टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या क्या है? एक है जॉब सेटिस्फेक्शन. This is job satisfaction, जो मैंने personality में भी आप लोगों को पहले समझाया. This is also an attitude. आपका satisfaction level जो है, एक आदमी internally खुश है. This is your emotional response, whether you are satisfied or not. So job satisfaction, मैं खुश हूँ. So मैं satisfied हूँ. Whatever I am getting, I am satisfied. कुछ लोग बहुत कुछ मिलने पर भी satisfied नहीं होते. So ये job satisfaction जो component है, this is an attitude.
अब देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो क्या फायदा होगा, सेटिस्फेक्शन होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेटिस्फेक्शन होगी तो टर्नओवर कम होगा, दिस थिंग्स आर देयर. देन कम्स एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी. व्हाट इज इट, हमारा जो एटीट्यूड है दैट इज कंसिस्टेंट, वो एक जैसा ही रहता है ऑलमोस्ट. हम लोग अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं नेगेटिव सोच रहे हैं, वॉट एवर वी आर थिंकिंग और वॉट एवर अवर थॉट प्रोसेस इज, वो हमारे बिहेवियर में दिखता है. जैसे हमारा एटीट्यूड रहता है हमारा बिहेवियर भी वैसा ही रहना चाहिए, राइट. हमारा एटीट्यूड से रिलेटेड है हमारा बिहेवियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे एटीट्यूड से हमारा बिहेवियर रिलेटेड है, राइट. That should be consistent. Our behavior should be consistent with our attitude. अब आ गई आपकी cognitive dissonance theory. अभी ऊपर में मैंने पढ़ाया ना, हमारे जैसा attitude है हमारा behavior भी वैसा ही होना चाहिए. Our behavior should be inconsistent with the attitude. But there's a theory called cognitive dissonance theory. Now, if our attitude or our personality is different and we are showing a different face, तो क्या होगा, मैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, आप जो नहीं हो कॉग्निटिवली, आपने जो सीखा नहीं है, व्हाट यू आर डिसोनिंग मतलब वो आपका नहीं है, बट यू आर बिहेविंग इन दैट वे, आप हो नहीं जो आप अपने आप को दिखा रहे हो. मे बी यू आर एन एक्सट्रोवर्ट बट यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज इंट्रोवर्ट. सिंपल सी बात है, दे बोथ आर ऑपोजिट पर्सनैलिटी ट्रेट. आप हो एक्सट्रोवर्ट, अपने आप को इंट्रोवर्ट दिखा रहे हो. सो ये ज्यादा प्रिटेंडिंग करना ना मैडम, प्रिटेंड करना, यस. आप अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हो व्हाट यू आर नॉट एक्चुअली. सो वहां पे क्या आएगा, आपको एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट आने लगेगा. दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, राइट. समझ में आया आप लोग के यहां तक? दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड